फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है शासन व्यवस्था, और आप जेपीएससी पीटी पेपर टू के सिलेबस में देखा होगा कि झारखंड इतिहास में आपको पहला चैप्टर ही पढ़ना है और उसमें लिखा हुआ है शासन व्यवस्था, टॉपिक डाला हुआ है किन की शासन व्यवस्था, तो उसमें लिखा हुआ है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, उसके बाद अन्य में आता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, फिर पढ़ना है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और अन्य पंचायती शासन व्यवस्था। छात्रगण, अभी तक हम लोगों ने 3-4 शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाई किया है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था मैंने लिखाया है समझाया है, नागवंशी शासन व्यवस्था मैंने समझाया है लिखाया है, पढ़ा शासन व्यवस्था जो उराव की है वह मैंने बताया है, मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथालों की है इसके बारे में भी हम डिटेल्स बताए हैं और समझाए हैं। तो आज छात्रगण, आज बारी है उसी नोट्स का, नेक्स्ट टॉपिक है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, जो हो लोगों की, हो जनजाति, जो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है उसकी शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। गांव स्तर पर गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, जबकि बहुत गांवों को मिलाकर एक बनती है पट्टी पीड़, उसी प्रधान को मानकी के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण, हम देखेंगे कि गांव स्तर पर जो मुंडा प्रधान है तो उसका सहयोगी कौन कौन है और उसका काम क्या है, जबकि बड़े कई गांवों को मिलाकर बने हुए पट्टी जिसके प्रधान मानकी कहलाते हैं, उसमें उस मानकी का सहयोगी कौन कौन है और किन का क्या काम है। छात्रगण, तो आज का आपका हेडिंग होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, और इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए और पहला पॉइंट लिखिए झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो लोगों की शासन व्यवस्था को, फर्स्ट पॉइंट है झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो लोगों की या हो जनजाति की या हो समुदाय की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसे भारत की प्रथम वास्तविक, जिसे भारत की प्रथम वास्तविक गणतंत्रक या गणतांत्रिक प्रणाली कहते हैं, जिसे भारत की प्रथम वास्तविक गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जिसे भारत की प्रथम वास्तविक गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा मान की शासन व्यवस्था का प्रारंभिक, मुंडा मान की शासन शासन व्यवस्था का प्रारंभिक स्तर गांव है, विलेज है, गांव है जिसके प्रधान को मुंडा कहते हैं, जिसके प्रधान को मुंडा कहते हैं, मुंडा। मुंडा कहते हैं, मुंडा कहते हैं, जो प्रशासनिक न्यायिक राजस्व, प्रशासनिक न्यायिक राजस्व
इत्यादि सभी कार्य करता है, इत्यादि सभी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हो समुदाय के गांव में, हो समुदाय के गांव में जो पंचायत होती है, हो समुदाय के गांव में जो पंचायत होती है वह पारिवारिक झगड़ों, वह पारिवारिक झगड़ों, गांव का विवाद, संपत्ति संबंधी मामलों, हो समुदाय के जो गांव की पंचायत होती है वह पारिवारिक झगड़ों, गांव का विवाद, संपत्ति संबंधी मामलों, संपत्ति संबंधी मामलों का भी निपटारा करती है, करती है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा का सहयोगी या इसका सहायक, मुंडा का सहयोगी या इसका सहायक सहायक डाकुआ कहलाता है, डाकुआ, डाकुआ कहलाता है, जो मुंडा के आदेशों का, जो मुंडा के आदेशों का, जो मुंडा के आदेशों का गांव के लोगों तक पहुंचाने, गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, कार्य करता है। इसके अलावा तहसीलदार, इसके अलावा तहसीलदार, तहसीलदार, इसके अलावा तहसीलदार देवरी यात्रा, देवरी तहसीलदार देवरी यात्रा, देवरी नामक पदाधिकारी भी होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तहसीलदार मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, तहसीलदार मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में एक प्रकार का गांव का राजस्व अधिकारी होता है, जो मुख्यतः लगान वसूली का काम करता है, जो मुख्यतः लगान वसूली का, टैक्स कलेक्टर, जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। उसी में इसी प्रकार देवरी या देवरी, इसी प्रकार देवरी या देवरी, दीवारी देवरी या देवरी, इसी प्रकार देवरी एक प्रकार का पुजारी, इसी प्रकार देवरी एक प्रकार का पुजारी या धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान है, जो धार्मिक मामलों का निपटारा करता है, जबकि यात्रा देवरी,
जबकि यात्रा देवरी देवरी का सहयोगी होता है। देवरी धार्मिक मामलों में दंड का निर्धारण भी करता है। देखा जाए तो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में देवरी मुंडा और उच्च स्तर पर मानकी दोनों को सहयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर पट्टी बनती है, जिसके प्रधान को मानकी कहते हैं। और यह पट्टी जो एक प्रकार का अंतरग्राम या अंतरग्रामीण अनेक गांवों को मिलाकर, और यह पट्टी अंतरग्राम पंचायत होती है, और यह पट्टी अंतरग्राम में पंचायत बनती है या होती है, जिसे पीढ़ कहते हैं। अर्थात पीढ़ या पट्टी के प्रधान को मानकी कहते हैं। उसी में संपूर्ण कोल्हान मतलब दक्षिणी, या बोल सकते हैं सिंहभूम का क्षेत्र, संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र को 26 पीढ़ों और एक पीढ़ में 15 से 20 गांव हेड मानकी, और ऐसा कोल्हान क्षेत्र में 26 पीढ़, संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र 26 पीढ़ों में बटा हुआ है, 26 पीढ़ों में बटा हुआ है।
और प्रत्येक पीढ़ी का प्रधान मानकी कहलाता है, और प्रत्येक पीढ़ी का प्रधान मानकी होता है। मानकी नेक्स्ट पॉइंट, मानकियों तथा मुंडाओं को अपने कार्यों में सहायता हेतु दो से तीन, मतलब मानकी का भी हेल्प करेगा कौन? डाकुआ। डाकुआ देखिए, इसमें मानकियों तथा मुंडाओं को अपने कार्यों में सहायता हेतु दो से तीन डाकुआ या डाकुओं, डाकुआ रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जिस मामलों को नहीं सुलझा पाते, मुंडा गांव स्तर पर, ऐसे लिखिए, गांव स्तर पर, या मुंडा गांव स्तर पर जिस मामलों को नहीं सुलझा पाते उनका निपटारा मानकियों को करना होता है। इसके अलावा मुंडाओं पर निगरानी का कार्य मानकियों द्वारा की जाती है। इसके अलावा मुंडाओं पर निगरानी का कार्य मानकियों द्वारा की जाती है, की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1830-32 ईस्वी में कर वसूली, टैक्स कलेक्शन, 1830-32 में कर वसूली और अंग्रेजों के मनमानी के विरोध में, अंग्रेजों के मनमानी के विरोध में कोल विद्रोह के दमन के बाद समझौता हुआ। कोल विद्रोह के दमन के बाद समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में विलिंगसन रूल बना। विलिंगसन रूल बना जिसमें सभी ग्राम प्रधान जिसमें सभी ग्राम प्रधान को अपने गांव का राजा घोषित किया गया, और मुंडा मानकी पदों को वंशानुगत मान लिया गया, और मुंडा मानकी पदों को वंशानुगत मान लिया गया। अर्थात विलिंगसन रूल्स के तहत मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर दी गई।
अर्थात विलिंगसन रूल्स के तहत मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। आज भी कोल्हान क्षेत्र आदिवासी स्वशासन की जीवंत भूमि है, अभी भी काम कर रही है, अभी भी उस भूमि का देखा जाए तो उस भूमि पर ये काम चल रही है, जीवंत भूमि है। नेक्स्ट पॉइंट, विलिंगसन रूल में केवल छोटे आपराधिक मामले ही शामिल किए गए हैं। हत्या और डकैती विलिंगसन रूल में केवल छोटे आपराधिक मामले ही शामिल किए गए हैं। हत्या और डकैती को इससे अलग रखा गया। अलग रखा गया था। उसी में जहां मुंडा को न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था, और आम जनता का मुंडा पर भरपूर विश्वास था, वहां विलिंगसन रूल काफी सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ब्लड रिलेशन में या रक्त संबंधियों में मुंडा मान की शासन व्यवस्था में रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध बनाना, गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए अपराधी को सामाजिक बहिष्कार की सजा दी जाती है। यद्यपि साधारण अपराध होने पर भोज भात आयोजित करने पर जाति में पुनः शामिल कर लिया जाता है। साथ ही साथ मुंडा मान की शासन व्यवस्था में आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है, या आर्थिक जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।
किया गया है। प्रधान किया गया है। तो छात्रगण, अभी हम लोगों ने आए, हम लोगों ने जाना, पढ़ा, समझा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो हो लोगों की और हो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, उसकी अपनी स्वशासन प्रणाली को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। और देखा जाए तो मुंडा मान की व्यवस्था में प्रशासन की शासन की दो इकाई है, एक ग्राम स्तर पर और कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी स्तर पर जिसे पीड़ कहते हैं। गांव स्तर प्रधान को मुंडा कहते हैं और मुंडा अपने कार्यों में सहयोग हेतु, संचालन हेतु, अपने कार्यों को लोगों को पहुंचाने हेतु डाकुआ उसका मुख्य सहयोगी है। यद्यपि इसके अलावा तहसीलदार देवरी और यात्रा देवरी भी मुंडा का सहयोगी है। देखा जाए तो मुंडा जो गांव का सबसे प्रधान व्यक्ति है हो में, उसे मुंडा कहते हैं। और देखा जाए तो डाकुआ मुंडा का सबसे मुख्य सहयोगी है, उसके सारे निर्णयों को, सारे डिसीजन को लोगों तक पहुंचाने और पालन करवाने का काम डाकुआ के द्वारा की जाती है। यद्यपि अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, इसमें से एक है तहसीलदार जो गांव स्तर पर टैक्स कलेक्टर है, लगान की वसूली करता है, जबकि देवरी धार्मिक पुजारी होता है, धर्म के मामले में जुर्माना देना, दंड देना, भूत प्रेत आत्मा या अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ देवरी के द्वारा ही की जाती है। और इन सब कार्यों को करने वक्त उसका सहयोगी जो होता है उसे यात्रा देवरी के नाम से पुकारी जाती है। देखा जाए तो देवरी ऐसा धार्मिक प्रधान है जो बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर मानकी का भी सहयोगी है और गांव स्तर पर मुंडा का भी सहयोगी, मतलब इस वह दोनों का सहयोग है, सहयोग देता है। जब 15 से 20 गांव मिलाकर एक पट्टी बनती है, एक पीढ़ बनती है, उस पीढ़ के प्रधान को बोलते हैं मानकी। और मानकी भी अपने कार्यों को संचालन हेतु अनेक 2 से 3 डाकुआ रखने की उसे अनुमति होती है और उसके सहयोग से अपने कार्यों का संचालन और निर्णय लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। छात्रगण, बाद में अंग्रेजों के आगमन से और अन्य टैक्स कलेक्शन में विसंगतियां होने से, मनमानी होने से 1830 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। उस कोल विद्रोह इतना विशाल था कि बाद में अंग्रेजों ने उसे बहुत कठिनाई से दमन किया और बाद में ब्लिंगसन रूल्स लाया और उस ब्लिंगसन रूल्स के तहत मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर दी, उस पद को वांसनुगत मान लिया और उनके जो रूल्स थे उनको मान लिया गया। बस कुछ रूल्स हत्या और डकैती को उससे अलग रखा गया। देखा जाए तो मुंडा जहां पर शासन ब्लिंगसन रूल्स जहां समझते थे वहां पर बहुत अच्छा काम किया। अभी भी कुल्हान क्षेत्र 26 पीढ़ियों में बटा हुआ है और हर एक पीढ़ी का एक प्रधान होता है, उसे मानकी के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में शामिल होंगे, एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे और वो चैप्टर है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो खड़िया लोगों की शासन व्यवस्था है, अर्थात खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या पुकारते हैं, तो उसका उत्तर होगा ढोकलो सोहर, या ढोकलो सोहर किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो उसका उत्तर होगा खड़िया जनजाति। तो छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में ढोकलो सोहर शासन प्रणाली पर बात करेंगे, जिसका जो खड़िया समुदाय की एक स्वशासन प्रणाली है। ओके, थैंक यू।